अस्सलाम वालेकुम। सुबह मॉर्निंग टाइम मेरा जो व्लॉग है आज मैं स्टार्ट करता हूँ अपने फार्म हाउस से। आज मैंने कुछ नायाब चीज़ें की हैं वो अपने फार्म हाउस को और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। मैंने एक्सपोर्ट करवाई है इधर से, ये खजियाँ मंगवाई हैं, खजियों के दरख्त जो अजवा खजूर है वहाँ से मंगवाए, सोदिया से। आज माँ का खजियाँ कहाँ से मंगवाई हैं अपन ने? ये सही आई है, सोदिया से आई है ये। हाँ, अपने फार्म हाउस को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए। तो अभी ये दोस्तों को बताओ अपन ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों बांध रहे हैं ऊपर? ये इसको बांधेंगे तो ये सूख के ये फिर हरी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि ये पत्ते सूखेंगे ये बीच वाले हरे रहेंगे, बीच वाले हरे हो जाएंगे। हाँ, इनको बांधेंगे नहीं तो ये कामयाब नहीं होगी। हाँ, इसको बांधना लाजमी है। अगर आप खजी अगर मंगवा रहे हैं, खजी के दरख्त लगा रहे हैं अपने फार्म हाउस को मजीद अपने घरों को खूबसूरत बनाने के लिए, अगर मेरे दोस्त हैं वहाँ के जो बिरोही हैं उन्होंने ये खजूर के दरख्त भेजे हैं मेरे लिए, माशाल्लाह से कम 10-15 खजूर के दरख्त भेजे हैं। पूरा ये आप दरख्त लगाओ अपने उधर फार्म हाउस पे। तो मैंने ठीक है, मेहरबानी भजन। तो अल्हम्दुलिल्लाह से भाई ने ना चिक्के बदो चिक्के ही गलत है, ये विच वारो जो ना नजर ना चे वो बदे चलो ना यार कटा यार रफीक मरी तू ना बड़े हेट रख हेट रख इतने बदल तू ना बड़े तू ना बड़े क्या बर्दे हाँ वरी गंडे हाँ गंडे टेर गंडे जी टेर घंटा ना लड़ाई को रफीक चलो दोस्तों माशाल्लाह से ये दरख्त भी लग रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह अगर रसूल बरकत डालेगा तो इनको कामयाब करेगा इंशाल्लाह, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत ही खूबसूरत दरख्त लग रहे हैं और सुबह सुबह का टाइम माशाल्लाह से, ठंड पड़ रही थोड़ी थोड़ी सी ठंड है और माख और धूप आए है, ठंडी ठंडी धूप। ये मेरा फार्म हाउस है माशाल्लाह से, इसकी खूबसूरती इन दरख्तों की वजह से और बढ़ जाएगी। ये सारे दरख्त लगे हुए हैं खजियों के टूट। ये देखें आप, अभी जो मेरे जो खजी के दरख्त मुझे मिले हैं अभी उनको मैंने इसकी सेफ्टी कर रहा हूँ, ये लाजमी है। ऐसे इसको जो नए दरख्त आते हैं वो लगते हैं उनको ऐसे बांधना लाजमी है, और ताकि ये जो ऊपर शुरुआत के जो पत्ते हैं वो इसके जल जाते हैं सूख जाते हैं, वो जो इसके बीच में से हरा घोंच हरा होता है जो उसको निकलते हैं कि निकलता है उसको बोलते हैं, वो नहीं सूखे। बस अगर वो सूख गया तो फिर आपकी खज्जी कामयाब नहीं है, फिर आपकी इतनी मेहनत तो वो जान जाएगी और इतने दूर से दरख्त आए वो भी जान जाएंगे। माशाल्लाह से अभी काम कर रहे हैं तो पक्का कर रहे हैं, कच्चा काम नहीं है, इसको बचाना है, थोड़ा सा मेहनत है, मेहनत के बाद ही फल मिलता है। तो अभी इसको बचाने का ये अमल है, ये हवा से भी बचेगी, सर्दी से भी बचेगा और धूप से भी बचेगा। इसके जो अंदर नाजुक सा होता है ना, जो इससे एक छोटा बच्चा होता है, बच्चे को सर्दी से बचाया जाता है, गर्मी से भी बचाया जाता है, तो वही अमल है इसका भी, जितनी मेहनत है उतना फल है। चिवाने कम पको थे बना और कम ओके अब। हां ओके ओके रफीक मरी और कम कच्चो। हां ये युगा 8-8 कुछ उस्ताद चिमा बताएगा कैसे इसको बांधना है मजबूती से। उस्ताद बताओ दोस्तों को, ये देखें भाई इसकी पाड़ जो हमारे को बंद करनी पड़ती है। हां तो हवा नहीं लगे इसको सही, तो फिर कब कर मत हवा भैया रेडी दे। ये देख ले हाँ, ये देखे हर बापत आने आवाज आ आवाज माँ भी कौन इंडिया दर कम पक्को थी हो काड़ो भी कौन लगनो हर शेक को लग दी। माशाल्लाह 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 अब मुझे इतनी परे खा आया न तो उनके फादर दिमाग उड़े सब सब खर्च खाया है, खर्च खाया है और इतने मेहनत खाती है, मेहनत भी खाती है। हाँ भाई ये उस्ताद चीमे की बात बता रहा है कि अभी इतनी मेहनत करके लेके आए। अरे ना कर यार छत दो चलो जा।